हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इंजीनियर चैलेंज, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में जो हम शार्ट की यूज करते हैं कीबोर्ड से और उसके साथ साथ कोई भी वर्क करते हैं तो कैसे मैं अपना या शार्ट की याद कर लें। तो सबसे पहले आप अपना एक्सेल ऑन कर लीजिए। मान लीजिए, देख लीजिए कोई भी डाटा यहाँ पे, जैसे मैंने ये कुछ डाटा लिख चुका हूँ। सपोज जैसे इसको कुछ कॉपी पेस्ट या कुछ करना है एज अ शॉर्ट की मदद से, तो आप कुछ नहीं आल्ट प्रेस कीजिए। देखिए सारे आपके ऊपर होम की फंक्शन में ये सारे शॉर्ट की मार्क हो गए हैं। तो आप इसमें जैसे प्रेस करना है तो आप कुछ नहीं एस पे जाइए, ये देखिए सारे कमांड शो हो रहे हैं। कॉपी करना है, कट करना है, मान लीजिए कट करना है तो एक्स क्लिक कीजिए, कट हो गया। अब आप इसको मूव कीजिए जहाँ पे सपोज आपको करना है, ठीक है, अपने अप डाउन राइट लेफ्ट, मान लीजिए यहाँ पे मूव करना है। अगेन आल्ट क्लिक कीजिए, एच क्लिक कीजिए और बी क्लिक कीजिए जिससे हमें पेस्ट करना है, ठीक है। तो पी प्रेस कीजिए, देख लीजिए पेस्ट हो गया। तो आज मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप कोई भी वर्क करते समय, मतलब इजली बिगनर टाइम में आप कैसे शॉर्ट की को याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिंपल मेथड है, आल्ट से शो होगा सारे शॉर्ट की, फिर उसके अगेन उसके नीचे फंक्शन जो भी शो कर रहे हैं उसमें आप मान लीजिए इंसर्ट में तो आप एन क्लिक कीजिए, ये सारे शॉर्ट की कमांड शो हो रहे हैं। तो आप किसी भी शॉर्टकट कमांड को यूज करना है तो आप सिंपली जो मेंशन है आप उसको सिर्फ प्रेस कर लीजिए। सपोज हमें टेक्स्ट बास्क यूज करना है तो आप सिंपल एक्सप्रेस कर दीजिए, दे दीजिए, हो गया। मान लीजिए यहाँ पे करना है तो इंटर कर दीजिए, ठीक है, ये दीजिए, हो गया, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बने रहिए।